कुछ दिन बाद ही राजपुर चुंगी क्षेत्र के राजेश्वर मंदिर पर एक विशाल मेले का आयोजन होने वाला है, लेकिन क्षेत्र की अगर बात की जाए तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। हालांकि प्रशासन ने आनन फानन में कुछ कार्य भी कराना शुरू कर दिए हैं, लेकिन उससे क्षेत्रीय लोग अभी भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। देखिए आप हमारी इस खास रिपोर्ट में। आगरा के राजेश्वर राजपुर चुंगी क्षेत्र में फैली समस्या से आज हम आपको रूबरू कराते हैं। राजपुर चुंगी से लेकर कैरई मोड़ तक अव्यवस्थाओं का भंडार नजर आता है। हल्की सी बारिश में ही क्षेत्र में भीषण जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आने जाने और वहां रहने वाले लोगों को इस भीषण समस्या का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों ने भीषण समस्या को लेकर अपना दर्द प्रातः दर्पण न्यूज पर बयां किया। लोगों ने बताया कि हल्की सी बारिश और घंटों का जल भराव, ये समस्या वर्षों से यहाँ बनी हुई है। आगरा में कई अधिकारी आए और गए, लेकिन आज तक किसी ने भी इस समस्या से निजात दिलाने की हिम्मत नहीं जुटाई। वहीं जनप्रतिनिधियों की बात की जाए तो चुनाव के दौरान क्षेत्रीय लोगों से अपने हित में मतदान करने के लिए अपील करते तो नजर आते हैं, लेकिन जब वह चुनाव जीत जाते हैं तो वहीं लोग क्षेत्र से परहेज करते भी नजर आते हैं। यह कहना है क्षेत्रीय जनता का। मेरा नाम अरियम शर्मा। ये जगजीत नगर है, जगजीत नगर में नालियां भरी हुई पड़ी हैं बिल्कुल ऊपर तक, कोई खाली करने नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं है, सालों हो गए होंगे। एक आध दफे आए हैं, बीच में जरा सा फावड़ा वैसे ही दिखा देते हैं और कोई नहीं निकालता है नाली, कोई नहीं आ रहा। प्राइवेट शिकायत लोगों से कहा है लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। इधर जो आए हैं साफ करने आते हैं उनसे कहो तो वो कहते हैं हाँ करेंगे, ऊपर चले जाते हैं, कोई नहीं करता। ये हालत है, आप देख लो बगल में क्या स्थिति है। मेरा नाम है, कौन सी जगह है? राजपुर चुंगी। क्या समस्या रहती है यहाँ? यहाँ पानी बढ़ता है भाई, करिया। कैसे निकलते हैं आप? कैसे निकलता है? खांचे में अगर निकलता है पानी निकल जाता है, देखा रहता है पानी निकल जाता है। कितनी देर में पानी निकलता है यहाँ पर? पानी निकलता है तीन चार घंटे में। हाँ, तो समस्याएं क्या क्या आती हैं आप लोगों के सामने? हमारे सामने पानी, गाड़ी गिर रहे हैं, गिर जाता है, गाड़ी पलट जाती है, बच्चा पानी में घुस रहे हैं। कभी किसी अधिकारी ने, किसी नेता ने आके इधर देखा है कभी? कोई नेता ना आया, कोई नेता कोई नहीं आता है, देख के चले आता। कहाँ का? कब से समस्या है ये? ये तो है गई भैया, कम से कम 15 वर्ष से है गई। ये मकान टूटे ना तब से है, पहले नहीं हो तो मकान टूटे जब से समझता। साफ सफाई कैसी होती है यहाँ पर? जा रहे हो तो काम भाई दो इच्छा का रहे हैं। हाँ, भी विचार क्या करें। मेन समस्या क्या है यहाँ पर? अधिकतर समस्या मेन कौन सी है, मुख्य समस्या आपकी? मां जो है बेटा, कछु धंधे पानी ना हो जाए, पानी पच जाता है तो देख के निकासी ना के तो नाले ठा से खाए रहे, कहाँ जाए पानी? हाँ, अपने पास दरवाजे रोक लगा ले तो मान जो सनी नाम। सनी जी, कौन सी जगह है ये? राजपुर चुंगी है, राजपुर राजस्थान मेले के पास। क्या समस्या रहती है? समस्या तो दिखाने की होती नहीं है, खुद ही दिखा सकते हैं आप। ये समस्या तो है, किस तरीके की समस्या है फिर भी जानना चाहेंगे आपको? पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाते हैं, कोई अधिकारी सुनवाई नहीं करता, आते देख के चलाते हैं, कैमरे की फोटो लगवाते हैं, गाड़ी के साथ खड़े होकर 4 सुपरवाइजर खड़े कर लेंगे, उसका फोटो खिंचाएंगे, चले आते हैं। मेला भी आने वाला है, मेले के बचे तो क्या लगता है यहाँ नगर निगम या प्रशासन अपना कार्य पूरा? अरे प्रशासन तो खुद देखे, अंदर बीजेपी का यहाँ पे दबदबा रहा है, कम से 9 बार से यहाँ पे करीब 9 बार से अपने मेयर जो है बीजेपी का रहा है, और कोई ऐसा खासा खास दिखता नहीं। जनता पूरा विश्वास रहता है, लेकिन जनता को रिस्पांस कुछ नहीं मिलता है। क्या अपील करना चाहेंगे आप? अपील क्या करना चाहेंगे कुछ का? जनता कुछ नौकरी तो मांगती नहीं है, खाने मांग लेती है, सिर्फ व्यवस्था मांगती है जो नगर निगम के हाथ में होता है। आप क्या करते हो? मेरी इलेक्ट्रिक शॉप है, AS इलेक्ट्रिक है, राजपुर चुंगी पे। पानी भर जाता तो किस तरीके से आप अपनी शॉप को मेंटेन करते हैं? ग्राहक आते हैं? ग्राहक तो कुछ नहीं आते, तो सोचते हैं कि चट्टी पहन के आया है या नेकर पहन के आया है, जैसे पानी ना हो, जूते वूते सब गाड़ी से खराब आते हैं,
और बीकल भी आप कभी पानी पड़े तो आके देखना। बारिश होने के बाद कितने देर तक पानी तो भरने बाद 3-4 घंटे तक पानी रहता है, उसके बाद कीचड़ बहुत रहता है। चाहे तो आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, ये पानी का हाल है सामने दोनों पीछे, ये सब कीचड़ भरे हुए हैं बस। कितनी देर तक पानी रहता है? 4-5 घंटे। फिर देर की बारिश में पानी भर जाता है बस, आ रहा था 20 मिनट पानी पड़े है, पानी भर जाएगा पूरा। कितनी देर में उतरेगा वो पानी? वही 3-4 घंटे। आराम स्थानीय निवासियों की माने तो लोगों ने कई बार शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को अपनी इस गंभीर और विकराल समस्या के बारे में बारंबार अवगत कराया है, उसके उपरांत भी कोई इनकी समस्या की ओर ध्यान नहीं देता और क्षेत्रीय लोगों को इस भीषण समस्या से जूझने के लिए छोड़ दिया जाता है। जल भराव और टूटी सड़कें होने के कारण कई बार गंभीर हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। हालांकि आगामी मेले को देखते हुए शासन प्रशासन ने कुछ कार्य कराने भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन लोगों की माने वे कार्य केवल पुरानी गुंबद पर कलाई कराने के मुताबिक है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट।